हाय दोस्तों, आज हम कच्चे आम की पापड़ बनाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए हम सामग्री देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लगता है। 1 चम्मच नमक, सफ़ेद नमक लिया है, आधा चम्मच काला नमक और 4 आम छील करके और धोकर काट लिया है पतले पतले, और 1 कटोरी से थोड़ी सी कम शक्कर ली है। बनाना शुरू करते हैं। ये गैस हमने जला दी, गैस की फ्लेम को तेज कर दिया, इसमें पानी रखेंगे। ये देखिए, ये हमारा पानी पूरा खौल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी केरी जो काट करके और छील लिया था। इसको पकने देंगे, गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे ताकि जल्दी से उबल जाए। ये देखिए, हमारा उबल गया है। अब हम इसे बंद कर देंगे, कर दिया, और ये छन्नी की सहायता से इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से छन्नी लीजिए और इसमें ये डाल करके आम को छान लीजिए ताकि बिल्कुल रेसे न रह जाएं। इस तरीके से ये देखिए, ये हमने छान करके रख लिया है ये, और रेसे जो थे हमने बाहर रख दिया है। चलिए हम चलते हैं पकाने की इस प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं। ये हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे, थोड़ी सी कढ़ाई गर्म होने देंगे। गरम से हमने निकाल कर रखा था, इसको डालेंगे ये और इसको चलाते रहेंगे। उबाल आने लग गया है, अब हम इसमें डालेंगे नमक, सफेद नमक चलाएंगे बराबर से, काला नमक चलाएंगे, और उसमें डालेंगे अपनी शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकती हैं। ये देखिए, ये कढ़ाई से ये वो होने लग गया है। ये आप इसमें ये डालकर देख लीजिए, ये देखिए इसमें पानी नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब ये तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीरे कर दे मंद कर देंगे। ये और एक थाली तरीके से पूरी थाली में घी लगा करके उसको तैयार कर लीजिए। ये हम गैस को बंद कर देंगे, थाली में पलट लेंगे। इस तरीके से थाली में फैला लेंगे, थाली में पूरा फैला दिया है। अब इसे छांव में सुखाएंगे, क्योंकि अभी अगर धूप में डालेंगे इसको तो हवा चलेगी तो इसमें कचरा लग जाएगा, इसलिए आज तो इसको छांव में ही सुखाएंगे पंखे के नीचे, फिर एक आध दिन में धूप में डालेंगे इसको। देखिए, ये निशान लगा करके रख दिया था, अब हम इसे काट करके देखेंगे। 1.5 घंटा हो गई है, 1.5 घंटा हो गया है। ये देखिए, ये निकल गया है, लेकिन अभी ये गीला है। अगर आपको तुरंत खाना है तो इसको निकाल सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तुरंत भी। और अगर रखना है कि 4-6 दिन रखें तो इसको 1-2 दिन के लिए सुखाना पड़ेगा धूप में अच्छे से, तब ये सूख पाएगा। ठीक है, मैं आपको सारी निकाल करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कितना अच्छा निकल रहा है। ये हमने मसाला नहीं डाला है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। ये देखिए, ये बनकर हमारा आम पापड़ तैयार हो गया है।